आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आगामी दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सभी थानों पर आयोजित किया जा रहा है पीस कमेटी की मीटिंग। सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाए जाने की लोगों से की जा रही है अपील। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। गोरखपुर की औद्योगिक गलियारे में शुरू हुआ सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट 1,071 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको, लगाएगी अपनी दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट। पहले चरण में आवंटित होगी 45 एकड़ भूमि, जल्द शुरू होगा निर्माण, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। खुद को GDA का कर्मचारी बताकर मानवेला में फ्लैट दिलाने के नाम पर वसूली करने वाले एक शातिर जालसाज सोनू गुप्ता को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी पुलिस हेतु भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा ने वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कहा, पुलिस वेतनधारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं, साइबर अपराधों व अन्य धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की दी गई जानकारी। इंडिया वर्सेस गार्बेज व इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत नगर निगम ने गार्बेज मुक्ति के लिए रेलवे स्टेशन पर चलाया स्वच्छता अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नगर निगम की टीम जी जान से शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई कर गोरखपुर नगर निगम को बनाएगी इंडियन स्वच्छता लीग में नंबर 1। तीन शातिर चोर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ई रिक्शा, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लगी प्रदर्शनी का प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों के लिए लाई अनेकों योजना, गरीबों का हो रहा है उत्थान। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत LFS चरगावा व गोरखपुर फुटबॉल क्लब ने जीते अपने अपने मैच। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, नदियां हैं उफान पर, एक या दो दिनों में घटने लगेगा नदियों का जलस्तर।